हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो, एक नया लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं लिनोवो का न्यूली लॉन्च लैपटॉप आइडिया पैड स्लिम 5। जी हाँ, लिनोवो ने अभी लॉन्च किया है आइडिया पैड स्लिम 5 i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ। इस लैपटॉप के अंदर लिनोवो ने काफी चेंजेस करे हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूँ, ये है लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 5। इसमें कंपनी ने काफी चेंजेस करे हैं, प्रोसेसर भी आपका काफी हाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे i5 13 जनरेशन में यू प्रोसेसर, प्रोसेसर में डिफरेंस है। इसकी स्क्रीन में चार्जर भी इसका डिफरेंट आपको दिया है। तो चलिए दोस्तों, सारा सस्पेंस अभी नहीं खोलते, आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप को ओपन करते हैं। इसकी सारी की सारी कॉन्फिगरेशन हम देखेंगे, इसके साथ लिनोवो ने क्या क्या आपको दिया है, और लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे क्या क्या आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्या अपग्रेड नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कह दूं, अगर अभी भी हमारे दोस्तों ने हमारा चैनल लैपटॉप मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम अपने पूरे जोश के साथ नए नए लैपटॉप लेके आते हैं आपके लिए, उनकी वीडियो बनाते हैं, अनबॉक्स करते हैं, बैक पैनल ओपन करते हैं। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जब भी हम नेक्स्ट टाइम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है, आजकल हम कोशिश करते हैं कि अनबॉक्स कर दे जिससे टाइम बचे उसको अनबॉक्स करने में। ये देखिए, इसके साथ प्रीमियम पावर कोड है जो लिनोवो ने आपको दिया है। और सबसे पहला चेंज लैपटॉप ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर या नॉर्मली इस रेंज के अंदर हमारे पास जो अभी तक पावर अडैप्टर आते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये टाइप सी, इसको आप कहते हैं पावर अडैप्टर, जिससे आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। लैपटॉप इससे फास्ट चार्ज होता है, और दूसरा इसमें फीचर ये भी होता है कि लैपटॉप जब आपका चार्ज हो जाता है तो ये पावर आगे देना बंद कर देते हैं। तो लिनोवो ने अपनी इस सीरीज के अंदर ये एक चेंज किया है जो बड़ा चेंज है। तो देखे दोस्तों, ये है 16 इंची का लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 5 न्यूली लॉन्च। देखिए, एक तो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, काफी लैपटॉप को स्लिम करने की कोशिश करी गई है, जितना लिनोवो कर सकता था मेरे हिसाब से उन्होंने स्लिम काफी स्लिम किया। सब तरफ से देखेंगे तो आपको बहुत स्लिम दिखाई देगा, एक जस्ट लाइक पेन की तरह आपको यहां से दिखाई दे रहा है। अगर मैं बॉडी की क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी एल्युमिनियम बिल्ड क्वालिटी में मेटल से ये बना हुआ है, तो अगर आप देखेंगे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहां पे आपका एग्जॉस्ट दे रखा है आपकी हीट पास होने के लिए, ये लैपटॉप को कूल रखता है। ये आपके रबर्स हैं जो लैपटॉप को थोड़ा सा हवा में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को ओपन करते हैं, सबसे पहले ओपन करके देखते हैं। एक हाथ से लैपटॉप ओपन नहीं हुआ, नीचे से उठ गया है। और एक चीज बता दूं, लैपटॉप जब भी हम लिनोवो के ओपन करते हैं तो जैसे ही लीड ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, हमें पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया, हमें इसके कॉन्फिगरेशन करने में टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों इतने हम लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं और फिर उसकी देखेंगे कॉन्फिगरेशन। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखते हैं हम, सबसे पहले हमें दिखाई देगा यूएसबी 3.2 जेन 1 के दो पोर्ट आपको दिखाई देंगे, और साथ में है माइक्रो एसडी कार्ड रीडर। लैपटॉप के राइट साइड में आप सबसे पहले जो पोर्ट देखेंगे वो है यूएसबी टाइप सी जेन 1 आपका डाटा ट्रांसफर के लिए, और आप इससे लैपटॉप को चार्ज भी इसी से कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाई देगा 1.4 HDMI आपके LED TVs और प्रोजेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए। साथ में एक पोर्ट आपको और दिखाई देता है टाइप सी, यहाँ पे आपको टोटल दो टाइप सी मिलते हैं। एक पोर्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो है 3.5 mm का ऑडियो जैक। दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फिगरेशन, लिनोवो ने आपको क्या क्या दिया है अपने नए लैपटॉप्स के अंदर। सबसे पहले हमेशा हम देखते हैं सीपीयू, जो 13 जनरेशन है इंटेल i5 13500 यानी 13500H। देखिए, एक हम बात कर रहे थे जो लिनोवो ने इसमें चेंजेस करे हैं, एक चेंज ये भी है अपनी इस सीरीज के अंदर लिनोवो ने H प्रोसेसर आपको दिया है, जो नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर आता है या हम दूसरे ब्रांड्स में भी देखें तो जो H प्रोसेसर आता है वो थोड़ा सा प्रीमियम होता है, अबव 80,000 के लैपटॉप्स में मिलता है। तो इसमें आपको 13500H प्रोसेसर दिया है। देखिए, और अभी हम लैपटॉप को भी खोलेंगे, देखेंगे H प्रोसेसर के अंदर मोस्टली दो फैन लगे होते हैं, लिनोवो ने इसमें भी दो फैन दिए हैं या नहीं, हम ये लैपटॉप जब ओपन करेंगे ये देखेंगे। क्योंकि अगर H प्रोसेसर है तो एक फैन से उसकी जो हीटिंग है वो कंट्रोल नहीं होती है, दो फैन हमें लगाने ही पड़ते हैं।
इसकी बेस स्पीड देखते हैं 2.6 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड है, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, 13500 जो प्रोसेसर है इसकी जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट क्लॉक स्पीड होती है वो होती है 4.7 गीगाहर्ट्ज। नॉर्मली हम देखते हैं 13 जनरेशन में जो यू प्रोसेसर होता है उसकी 4.5 होती है, लेकिन एच प्रोसेसर इसके अंदर 4.7 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है। अगर हम बात करेंगे कोर की तो 12 कोर आपको इसमें मिलते हैं, अगर हम परफॉर्मेंस कोर देखेंगे तो वो सिर्फ 4 ही है और जो एफिशिएंट कोर है वो 8। कभी भी इन पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मोस्टली पब्लिक जब मोस्टली लोग क्या होते हैं कि जब लैपटॉप ले रहे होते हैं तो कोर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं ध्यान देते कि कितने परफॉर्मेंस कोर है और कितने एफिशिएंट कोर हैं। परफॉर्मेंस कोर की जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी वो तो 4.7 है, लेकिन एफिशिएंट कोर की जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज ही होती है, हमेशा ये याद रखिएगा। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो 16 है इसके अंदर और L3 कैशे हम देखते हैं तो वो है 18 MB। मेमोरी देखते हैं 16 GB की इसमें रैम है, DDR5 रैम आपको इसमें लेनोवो ने दी है जिसकी स्पीड 5200 मेगाहर्ट्ज की है। दो स्लोट है, दोनों के दोनों यूज्ड हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें ऑनबोर्ड रैम है, आप जिसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। लैपटॉप जब हम ओपन करके दिखाएंगे आपको ये भी दिखाएंगे कि रैम कहां लगी हुई है और वो चिप है या आपके स्लॉट्स में लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर ऑन बोर्ड रैम है तो चिप लगी हुई है। डिस्क की बात करेंगे तो WD की इसमें SSD है 512 GB की जिसकी कैपेसिटी आपको 477 GB मिलती है। ग्राफिक्स इंटेल आयरिस ग्राफिक्स है, इंटेल के अंदर अपनी कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी ग्राफिक्स के लिए वो नहीं होती है, जैसे हम AMD के प्रोसेसर्स में देखते हैं। AMD के हर प्रोसेसर में 512 MB की डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी उसके प्रोसेसर में ही होती है, लेकिन इंटेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें डेडिकेटेड आपको मेमोरी कोई कुछ नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ शेयर दिखाई दे रही है जो 7.9 GB है और इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स है जो नॉर्मली MX350 और 250 के अप्रॉक्स आप हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको। वाईफाई अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको वाईफाई बता देता हूं। वाईफाई आपको इसमें मिलेगा 6E और ब्लूटूथ आपको इसमें मिलता है 5.1। अभी कॉन्फ़िगरेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जो वॉइस आप सुन रहे थे वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी थी आपको माइक टेस्ट कराने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि इसके माइक की क्वालिटी कैसी। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम हमेशा कोशिश करेंगे लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने की। लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, देखिए जैसा हमें उम्मीद थी कि एच प्रोसेसर है तो दो फैन होंगे वही इस लैपटॉप के अंदर निकले। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं लैपटॉप के अंदर क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है इसमें दो फैन लगे हुए हैं, गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो भी आप सोच रहे होंगे कि इसमें दो फैन क्यों है। मैं आपको बता दूं लिनोवो ने इसमें गेमिंग लैपटॉप ना होते हुए भी गेमिंग वाला प्रोसेसर जरूर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें एच प्रोसेसर है जो गेमिंग लैपटॉप में आता है वही इसमें है और उसको एक्स्ट्रा कूलिंग की जरूरत पड़ती है, हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर होता है वो, इसीलिए इसमें दो फैन आपके लगे हुए हैं। यहां पे अगर हम इसको हटाते हैं ये देखिए यहां पे प्रोसेसर हमारा लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैंस के साथ। यहां आपको हमारा वाईफाई दिखाई दे रहा है, चलो इसको कवर करते हैं दूसरी साइड से ओपन करते हैं। दूसरी साइड पे आप देखेंगे यहां पे आपको दिखाई दे रही है SSD जो आप अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन इसको रिमूव करके ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारी लगी हुई है रैम, जैसा कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे मैंने आपको बताया था कि इसमें LPDDR5 रैम है, ऑन बोर्ड रैम है, तो यहाँ पे ऑन बोर्ड रैम है, चिप होती है जो लगी हुई है जो आप नहीं देख सकते क्योंकि वो कवर्ड है, इसको आप अपग्रेड भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये आपको भी वैसे भी नहीं देखने का कोई फायदा ही नहीं है। यहां आपको दिखाई दे रही है बैटरी है, ये बैटरी मैं आपको बता दूं 3 सेल की बैटरी है और 56.6 वर्क आवर्स के साथ ये आपको बैटरी दी है लिनोवो ने। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करेंगे नॉर्मली 7 से 8 घंटा इसका आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा जो कंपनी कहती है। अभी हमने इसे यूज नहीं करके देखा तो एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इसका बैटरी बैकअप। तो दोस्तों जैसा आपने देखा आज हमने अनबॉक्स किया लिनोवो का न्यूली लॉन्च IdeaPad Slim 5 लैपटॉप। देखिए इसमें हमने काफी डिस्कस किया कि इसमें जो खासियत है वो एक तो जो गेमिंग में प्रोसेसर आता है एच प्रोसेसर वो इस लैपटॉप पे आपको मिलता है, राइट। दूसरी खासियत हमने इसमें देखी कि इसमें टाइप सी पोर्ट आपको मिल रहा है, सॉरी टाइप सी पोर्ट तो होता ही है लेकिन टाइप सी चार्जर आपको लैपटॉप चार्ज करने के लिए टाइप सी है।
अगर हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो देखिए आप इसमें मोस्टली अपनी सारे ही जो सॉफ्टवेयर है वो सब रन कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग की बात करें आप इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें डिजाइनिंग का काम करना चाहें, बहुत हाई डिजाइनिंग नहीं, आप वो भी इसमें आप कर सकते हैं। बस आप इसके अंदर हाई गेमिंग्स मत करिएगा जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ शेयर ग्राफिक्स है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको शेयर ग्राफिक्स दिखा के कह देता है जी इसमें 8 GB का ग्राफिक्स है, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है। अगर आप हाई एंड गेमिंग्स करना चाहेंगे वो इसमें नहीं होगी, या आप इसमें 4K एडिटिंग करना चाहेंगे तो वो इस लैपटॉप में बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कलर कोरल और फोटोशॉप वगैरह ये सॉफ्टवेयर जो कलर्स से डिपेंड होते हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें 45% NTSC है तो आपको एग्जैक्ट कलर क्लैरिटी इस लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको जो भी वर्किंग करनी हो, इसमें कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे, मैंने टेस्ट किया, मैं आपको इसमें नहीं चेक करा सकता एग्जैक्टली क्योंकि वो हमारे कैमरे की क्वालिटी होगी जब आप देख रहे होंगे। अदरवाइज मैंने माइक देखा, माइक टेस्ट किया, माइक की क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, जूम मीट कर रहे हो, या आपका बच्चा क्लास ले रहा हो, तो आपको एक्स्ट्रा माइक यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो माइक है उसकी क्लैरिटी काफी अच्छी है। कंपनी ने इसका जो प्राइस रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास रखा है। जी हाँ, 70,000। देखिए अगर मैं बात करूं तो 70,000 के अंदर ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो एच प्रोसेसर मिल रहा है, अगर हम कंपटीशन की भी बात करेंगे तो उनमें नॉर्मली अभी यू प्रोसेसर ही आ रहा है। इसके अंदर आपको कंपनी ने एच प्रोसेसर और साथ में टाइप सी चार्जिंग भी दी है, और 16 इंची का आपका फुल HD डिस्प्ले आपको इसमें दिया है 300 nits के साथ। अगर आप i5 लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो आप एक बार इस लैपटॉप का डेमो जरूर देखिएगा। 70,000 की रेंज में आपको ये लैपटॉप पूरा पावर पैक आप लैपटॉप कह सकते हैं ये आपको मिल जाएगा। 16 इंचेस का डिस्प्ले, अगर आपको डिस्प्ले बड़ा चाहिए तो वो भी आपको इसमें कंपनी ने दिया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ कहीं कोई हम पार्ट्स भूल गए हैं कवर करना वो हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका फिर भी ये वीडियो देखने के बाद आपके कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं, और अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।